मोमिनपुरा इलाके में नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के खिलाफ गुरुवार को तहसील पुलिस व मनपा संयुक्त कार्रवाई की। 9 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 2 चूड़ी की, 1 कपड़े की और 1 गेस्ट हाउस को सील कर दिया गया। साथ ही 5 दुकानों का सामान जब्त कर लिया गया। कोरोना संक्रमण के बावजूद इन दुकानों में नियमों का पालन नहीं हो रहा है। पूरे दुनिया में रमजान ईद महोत्सव बड़े खुशी से मना रहे हैं और हम भी हमारे मुस्लिम भाइयों को रमजान ईद के इस संध्या के मुहूर्त पे शुभकामनाएं दे रहे हैं। मगर आज पूरे जग में जो कोरोना की हालत है, इस हालत को अपनों को निपटाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने जो पैंडेमिक गाइडलाइन दी है वो फॉलो करने के लिए पिछले 2 दिन से हम लगातार हमारे मुस्लिम मौल क्षेत्रों में मोमिनपुरा में कार्रवाई कर रहे हैं। 90% मुस्लिम बंधु हमारा रूल्स फॉलो कर रहे हैं, मगर जो 10% फॉलो नहीं कर रहे, इस कार्रवाई के अंतर्गत आज सवेरे मोमिनपुरा अली रोड पे 2 दुकान को हमने सील कर दिए और चूड़ी वाली गली में 2 दुकान को सील कर दिए। इसी कार्रवाई के अंतर्गत जो फुटपाथ पे ठेले पे कुछ सामान बेचते हैं, ऐसे 5 दुकान का सामान हमने जब्त किए हैं। और अभी आपने देखे होंगे कि हमने आज शाम को यहाँ रुटमार्च भी किया है। रुटमार्च का मतलब है कि पुलिस तुम्हारे साथ में है, आप अपना त्यौहार खुशी से मनाओ, मगर साथ में जो भी गवर्नमेंट के डायरेक्शन से वो भी फॉलो करो, इसके तरफ तहसील पुलिस पूरा कार्यशील है। सर, आपको इस कार्रवाई में कोई परेशानी सर की? नहीं, 90% मुस्लिम भाइयों का मेरे को पिछले करीब 1.5 साल से सहयोग है और कोई उसकी तकलीफ नहीं है। और जो कोई 10% लोग कायदे का पालन नहीं कर रहे, उनको कायदे का पालन करना, सख्ती से निपटना हमको आता है और हमारी कार्रवाई सिर्फ उनके खिलाफ है। दुकानों में जमघट लग रहा है। इस क्षेत्र में ईद की तैयारी के लिए लोग घर से बाहर निकलकर खरीदारी कर रहे हैं। इस बारे में जानकारी मिलने पर पुलिस विभाग में कार्रवाई शुरू की है। यह कार्रवाई शाम 5 से रात 11 बजे तक शुरू रहेगी। क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त लोहित मदानी पहले ही बता चुके हैं कि लॉकडाउन में दुकानदार नियमों का आकर पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ पुलिस मनपा के साथ मिलकर कार्रवाई करेगी। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।